पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा से दुर्गा वाहिनी की तीन टीमों को खंडवा पुलिस अध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश भर में नई पहल करते हुए पुलिस महानिदेशक के द्वारा सभी जिलों में दुर्गा वाहिनी का गठन किया गया है। बता दें कि दुर्गा वाहिनी में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को रखा गया है। खंडवा SP मनोज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि का त्यौहार 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। जगह जगह माँ दुर्गा की स्थापना हुई है और कई पांडाल सजाए गए हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर गरबे भी आयोजित किए जाते हैं। इन गरबों में परिवार पहुंचता है, बच्चे बच्चियां महिलाएं भाग लेती है। उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस हमेशा चिंतित रहती है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव निर्देश दिए हैं कि ऐसी जगह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, दुर्गा वाहिनी के माध्यम से पुलिस महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाए। इसी क्रम में खंडवा में भी दुर्गा वाहिनी टीम को अलग अलग क्षेत्र में रवाना किया गया ताकि होने वाले कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, वहां किसी प्रकार के असामाजिक तत्व कोई गलत कृत्य को अंजाम न दे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का त्यौहार 3 अक्टूबर से शुरू हो गया है और उसमें जगह जगह दुर्गा जी की प्रतिमाएं बैठी हैं, पंडाल लगे हुए हैं, साथ ही बहुत सारी जगहों पे गरबे के भी आयोजन है जिसमें शहर के बहुत सारे महिलाएं, पुरुष अपने परिजनों के साथ, लोग बच्चों के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा बहुत ही एक हम लोगों का प्राइम कंसर्न है। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पुलिस महानिदेशक महोदय ने ये सभी जिलों को निर्देश दिए थे कि दुर्गा वाहिनी के रूप में जो महिला पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जगह जगह पे लगाया जाए और साथ ही लोगों को इस तरह का एक माहौल दिया जाए जिसमें उनको सुरक्षा का भाव आए। इसी क्रम में आज खंडवा जिले में भी दुर्गा वाहिनी की जो हमारी टीम है उनको अलग अलग गाड़ियों में यहाँ से कंट्रोल रूम से रवाना किया जा रहा है और ये अगले 9 दिन लगातार दशहरे के दिन तक जितने यहाँ के शहर में दुर्गा जी के पंडाल हैं, मंदिर हैं और गरबा के जो मुख्य कार्यक्रम हैं वहाँ पर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ आने वाले महिलाएं, बच्चे बच्चियाँ सब सुरक्षित माहौल में वहाँ रहें और उनके साथ किसी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व द्वारा कोई घटना ना हो और उसको लेके ही ये पूरा आज यहाँ से आयोजन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसको लेके खंडवा शहर में एक अच्छा मैसेज जाएगा और साथ ही परिजन बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ जाएंगे और अलग अलग पंडालों में गरबा स्थलों पर। और यहाँ पे हमारे महिला पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं, 2 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। साथ ही अलग अलग 3 दुर्गा वाहिनी टीम गठित की गई है थानावार और उनको हम लोगों ने 4-4 महिला कांस्टेबल दिया है और साथ ही उनके साथ कुछ पुरुष बल भी दिया है जो साथ में जाएंगे और प्रत्येक महत्वपूर्ण जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, वहाँ के CCTV, वहाँ के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और महिलाओं के बच्चों के आने जाने के पृथक रास्ते हों, वहाँ किसी तरह का कोई हर्डल ना हो, इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। दुर्गा वाहिनी जैसे कि नाम स्पष्ट है कि एक दुर्गा स्वरूप को लेकर के एक हम सभी लोग जहाँ जहाँ पर गरबा पंडाल लगे हुए हैं या जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भीड़ भाड़ है वहाँ पर हम सारे टीम लेकर के जा रहे हैं और सभी स्थानों पर जहाँ पर ऐसा लगता है कि भीड़ भी के सभी पूछताछ करना, लोगों से बातचीत करना और उन सभी महिलाओं को यह एहसास कराना कि दुर्गा वाहिनी उनके साथ है, वो सुरक्षित हैं और निश्चिंत होकर के गरबा खेलें, इस त्यौहार को एंजॉय करें, ये विशेषकर है। ये मुहिम इसलिए हमारे बीच से संचालित है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और ऋषि साहब के महोदय के मार्गदर्शन